काम करेंगे, रात में भी जाएंगे मरीजों के साथ, दिन में भी फिरेंगे और फील्ड में भी काम करेंगे, कभी संचारी रोग का कभी कहीं का सर्वे करते रहेंगे, फोन पर भी काम करेंगे, रजिस्टरों में भी काम करेंगे। जब हम दिन रात काम करेंगे तो हमारे घर वाले भी तो पूछे तुम्हारे पास पैसे कहाँ क्यों नहीं है जब तुम रात दिन काम करो। देखो हम काम करते हैं अपना घर चलाने के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, वही पैसा हमें नहीं मिलता टाइम से तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारी उम्मीद नहीं है जी कि आप ये लोग कुछ हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वो पैसा अब सबके अंदर खा चुका है। तो अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? आज इंतजार करेंगे और क्या करेंगे, अब अपना पैसा लेकर ही उठाएंगे, जितना उठने के लिए चाहे कोई आओ समझाने, हर बार मिट्टी गोली देकर भेज दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। इस वक्त हम हकीकत नगर धरना स्थल पर मौजूद है, जहां पर कुछ महिलाएं आप बैठे हुए नजर आ रही होंगी आपको, जो करीब डेढ़ महीने से यहां पर धरने पर बैठी है। इनका मानदेय दो साल से नहीं आया है। नवयुक्त दृष्टि के नवयुक्त जो यहां पर अध्यक्ष है, उनके धरने स्थल पर ये मौजूद है, वो इन्हें अध्यक्ष सपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर महिलाओं ने थोड़ी देर पहले ही आत्मदाह करने की कोशिश की, पेट्रोल छिड़का, यहाँ पर स्थिति भयावह हो चुकी थी, उस स्थिति के बारे में जानेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं वो किस तरह से यहाँ पर पेट्रोल में पूरी तरह से भीगे हुए, किस तरह से देखते हैं क्या कुछ स्थिति बन गई। सहन करने लायक स्थिति नहीं थी बिल्कुल भी, जब माँ बहन इस हद पे आ जाए कि अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, घर के बच्चों की फीस के लिए आत्मदाह करने को तैयार हो जाए, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि कितना बुरा मंजर रहा होगा। प्रशासन की लापरवाही कितनी बड़ी है कि पहले पूर्व घोषणा कर दी गई थी दो दिन पहले कि आत्मदाह करेंगी, तब भी ना पूरी रात कोई व्यवस्था थी, ना सुबह 12 बजे कोई पूछने आया, 12:30 बजे SDM सिटी में शेर साहब आते हैं, आप नीचे उतर जाइए वाली जी, आपको कोई काम नहीं है, हम डायरेक्ट बात करेंगे, हम ये करेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। जब डायरेक्ट बात की गई तो उसी दौरान देखा गया कि यहाँ पर महिलाओं ने पेट्रोल छिड़क लिया अपने ऊपर। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा करा कि जिन लोग दोषी हैं इनकी नजर में, उन लोगों को बुलवाने काम कर ले स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने कहा ना काम किया कि 100% पैसा गया हुआ है, बार बार एक ही बात बोलने काम कर रहे थे। वहाँ के शुक्ला है एक जो उसके पैसा डालने का काम करते हैं, बार बार एक बात कर दी कि आपका 100% पैसा गया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ तो 100% पैसा आपने डाल दिया था तो पिछले 4 दिन में आपने 1.5 करोड़ रुपया क्यों डालने का काम किया इनके खाते में? अगर पैसा डाला हुआ है पूरा तो आपने पिछले 5 दिन में 1.5 करोड़ रुपया डाला। कितने सालों से पेमेंट नहीं आया? लगभग 2 साल से, कभी कभी बंदरबांध डाल देते हैं थोड़ा बहुत। CM प्रोत्साहन राशि तो मुख्यमंत्री महोदय ने खुश होकर इन लोगों को 1500 रुपए देने का अपनी तरफ से 1 अप्रैल 2022 से शुरू किया था, इन लोगों ने उसे भी खाने का काम किया। और सन 2030 चल रहा है, इस बार इस बीच में कभी इनको ये पैसा नहीं मिला। पैसा देते कि मान अगर किसी का 9000 बनता है तो 2200 भेज देते हैं कि इतना ही बनता है आप लोगों का, तो 2200 भेजते हैं, अगले 2 महीने फिर गायब कर लिए। इनको अपनी जानकारी नहीं, इतने लोग मेरे पास पहुंचते हैं, मैं बात की अधिकारियों से, 15 दिन पहले धरना दिया, हमारे बीच में CM महोदय, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय सैनी साहब, बड़े सचिवालय जी भी आए थे, उन्होंने हमारा धरना उठवाया कि 15 दिन में आपका सारा पैसा इनका पहुंच जाएगा, उसके बाद भी कोई पैसा आने काम नहीं है, फिर हम धरने में बैठ गए, फिर पैसा आना शुरू हो गया। यानी ये तो ये होगा धरने में बैठे तो पैसा होगा, तब का पैसा आता है, खुला खुला गेम होगा। और अब अति होगी कि पैसा इनका नहीं आया हुआ और इन्हीं पे दोष लगाया जा रहा है कि आप झूठ बोल रही है। आप अगर बार बार उन्हें उकसाने का काम ना करते तो शायद ये हादसा ना होता, तब भी भगवान का शुक्र मानता हूं कि कोई अनहोनी नहीं हुई है। दो मेरी बहन है अस्पताल में, बहुत सीरियस है हाल, बाकी यहाँ पे है तो बहुत बचा, इतना ही कह सकते हैं। तो अभी स्थिति सामान्य है। अब तक दो अधिकारी अभी क्या कह रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कब इनका पूरा पेमेंट आएगा, कब मान दे दिया जाए? सच अगर सच कहूं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और ये मुद्दा सहारनपुर का भी नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है, जहाँ जहाँ बिठाओगे यही गंदगी पाई जाएगी। आशा कहा जाता है कि आपके मात्र 2200 रुपए बैठते हैं, क्योंकि इनका मानदेय फिक्स नहीं होता, जो जो काम करते हैं उसका पैसा होता है। CM प्रोत्साहन राशि जहाँ में काम करते हैं उसका 1000 रुपया, 2200 रुपये एक 8 काम के होते हैं, उसके बाद कुष्ठ रोग, उसके बाद अंतरा, 1000 काम ऐसे इसके पेशेंट के आते हैं, डिलीवरी के आते हैं, इन्हें मिलता ही नहीं है क्योंकि कम पढ़ी लिखी है, सबसे छोटा होता है आशा का, लेकिन कोरोना काल में सबसे बड़ा काम इन्होंने करने का काम किया कि अपनी पहचान बनाने का काम किया और कोरोना को भगाने का काम किया।
और आज उन्हीं को आज रोजी रोटी से मोहताज है, मरने के लिए तैयार है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को। और खासतौर पर 2024 सामने है, ऊपर से सारा पैसा आया हुआ है, कुछ अधिकारी कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिसके तहत गांव में गलत अफवाह फैली हुई है कि योगी जी पैसे देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो साफ तौर पे कहना चाहते हैं इन्हें इंसान मिले, इनका पैसा मिले। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह से महिलाएं लगातार कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दे रही थी, उसके बावजूद भी इनकी जो मानदेय है वो प्रॉपर इन्हें नहीं दी जाती। इन्हीं महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहाँ पर स्थिति थी। क्या नाम है आंटी आपका? जी रेखा मेरा नाम। जब यहाँ पर महिलाओं ने पेट्रोल छिड़का किस तरह की स्थिति थी? बहुत समय नहीं मौजूद, बहुत गंभीर स्थिति थी। सब अपने आप में सब ये सोच रही थी कि मैं उससे पहले कर लूँ, मैं उससे पहले कर लूँ। इस तरह की नौबत क्यों आई, क्यों इतने परेशान थे आप? एक एक साल, डेढ़ साल हो गया, दो दो साल से पैसे नहीं आ रहे थे, इस वजह से सबने यही फैसला किया। इन्होंने 15 दिन पहले भी ये रखा धरना, तब नहीं इन्होंने यही कह दिया कि हम डाल देंगे पैसे, तब नहीं पैसे डाल ले। इतनी महिलाओं ने पेट्रोल छिड़का, ये सारी जो भी जितनी है आप इन्होंने सबने डाल। हाँ जी, सभी महिलाओं ने पेट्रोल छिड़का, सभी आप कहाँ करने को तैयार थी? हाँ जी। तो अभी आपने बातचीत की तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? अभी एक घंटे का टाइम दिया, अभी एक घंटे के अंदर कुछ बताओगे तो सही है, नहीं तो सारी तैयार है। और भी महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं ये जो महिलाओं की संख्या है लगातार बढ़ती ही गई है। जब जब धरना दिया है तब तक उन्हें पेमेंट मिली है। महिलाओं के बीच में पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करेंगे ये महिलाएं आखिर इतना परेशान क्यों है। क्या नाम है आपका? हेमलता। कितने समय से आप ये काम कर रही हैं आशा जी? मैं 2013 से काम कर रही हूँ। 2013 से? 2013 से। तो अभी तक कोई पेमेंट मिल पाई है आपको? जी पहले से ही मिल रही थी, लेकिन सन 2021 से हमारा पेमेंट जो है वो सही से नहीं आ रहा। देखो हम काम करते हैं, अपना घर चलाने के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, वही पैसा हमें नहीं मिलता टाइम से, तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए महिलाएं इतना परेशान है कि लगातार अपने बाल बच्चों को पालने के लिए काम करते लेकिन मानदेय नहीं मिलता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंकेश है जी। कब से आप लोग धरने पर बैठे हैं? देखा जाता है कि लगातार 1.5 महीने से आप लोग धरने पर हैं। हाँ जी, 1.5 महीना हो चुका जी। 15 दिन का धरना पहले दिया था और फिर हम आश्वासन दिया गया था कि हम 17 दिन का टाइम मांगते हैं, 17 दिन के अंदर हम आपका मतलब जो पेमेंट है वो डाल देंगे और उसके बाद हम आपका जो पूरा पैसा है वो चला जाएगा, जो डाल देंगे। उन्होंने थोड़ा पैसा डाल के फिर आश्वासन दे दिया कि तुम्हारा पैसा चला गया। उसके बाद फिर हमने मतलब जब पैसा हमारा नहीं डला तो हमने फिर भरने की बात रखी कि अगर हमारा पैसा नहीं गया 17 दिन के अंदर तो हम दोबारा फिर अपने धरने पे मौजूद रहेंगे। फिर उसके बाद हमने 1 घंटे का आप लोगों को समय दिया गया जी। तो क्या लगता है आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? जी हमारी उम्मीद नहीं है जी कि आप ये लोग कुछ हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वो पैसा अब सबके अंदर खा चुका। कौन लोग दोषी लग रहे हैं इस बीच? चिकित्सक अधिकारी हैं जी, स्वास्थ्य विभाग वाले हैं जी, सब खाने वाले, ऊपर से हमारा सब आसाम का पैसा आया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग वाले आपस में ही सब ऊपर से खाते भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति बन गई थी, महिलाओं ने आत्मदाह करने की कोशिश की जी, आत्मदाह करने की यही कोशिश करी जी, सब ने छिड़क रखा पेट्रोल, क्योंकि अंतिम आदमी क्या करेगा जब अपनी हिम्मत हार जाएगा। 15 दिन पहले भूखे पड़े रहे, यहाँ से 8 दिन अब हो गए लगातार, अपने बच्चों को अपने घर वालों को सब अपने भूखा छोड़ रखा है, अपने घर में कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम भूखे प्यासे यहाँ पर पड़े हैं अपनी उम्मीद को लिए, अपने पैसे के लिए, अपने मेहनत के लिए, और हमारा जो काम का पैसा है वो भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम किसके लिए क्या करेंगे? हमारी एक मजदूरी तो है, एक मजदूर आज के लिए 600 रुपए लेके जाता है। मानदेय कितने आपका, कितना मिल रहा है? मानदेय हमारा कम से कम 8,000 के उसमें बनता है, हर काम का पैसा हमारा काम का पैसा 1,000-2,000 रुपए हमारे खाते में डाल देते हैं, हमारा काम का पूरा पैसा आता ही नहीं है। 2,000 मानदेय हमारा 2,000 ही है, काम बन जाता है, काम हमारा बन जाता है। टीकाकरण का वो नहीं मिल रहा, टीकाकरण आपने आत्मदाह करने की कोशिश की थी? मेरे सुषमा रस्तोगी मेरा नाम, मैं जड़ोदा पांडा से हूँ, ननौता ब्लॉक से। तो ननौता से यहाँ फोन जी, तो आप रात को भी यही सोते जी? लगातार आप लोग यहीं पे रुके? लगातार यही, हम दिन रात 24 घंटे यही रहते हैं, हम घर वापस आए। परिवार वाले, आप अपने बच्चों को भी छोड़ कर यहाँ बैठे? जी, बच्चों को वहाँ रह के खिलाए क्या, ऐसे वहाँ और ऐसे यहाँ है।
तो किस तरह से देखते हैं एक घंटे का समय दिया गया है, क्या लगता है मांगे कुछ हो पाएंगी? अगर मांगे नहीं पूरी होगी लेकिन होगी पूरी, बोलते रहते हैं लेकिन होती नहीं पूरी। आश्वासन देके और वहाँ में चले जाते हैं बार बार के यहाँ कर देंगे लेकिन कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। हम तो एक डेढ़ महीने से यहाँ बैठे हैं धरने पे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कितनी महिलाएं हैं जो ये महिलाएं आप लोगों के साथ धरने पर बैठी हैं? 206 हैं और दूसरे ब्लॉक की भी हैं, इतनी तो हम ननौता ब्लॉक की हैं, वारका ब्लॉक की भी हैं। जी जी, ननौता ब्लॉक की तो हम समझते हैं। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे, वहाँ भी भूखे मरना है। क्या नाम है? सुषमा आशा है जी। तो कब से बैठी है आप यहाँ? डेढ़ महीना हो गया जी। हाँ जी बैठी है। तो अभी जिस तरह की स्थिति होगी तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पैसा देंगे नहीं तो मरेंगे जी, अब अपना पैसा लेकर ही उठाएंगे जितना उठने के लिए, चाहे कोई आओ समझाने, हर बार मिट्टी गोली देके भेजते हैं जी। कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए? हाँ जी आए जी, जो आए अब से पहले कोई नहीं आया जी, पहले कोई नहीं जी, अब से आए थे जी। 15 दिन का टाइम मांगा था हमने, 17-18 दिन का टाइम दिया, उसमें इन्होंने कोई पैसा नहीं डाला। काम करने के लिए कहा था, हमने काम भी किया है फील्ड में जाकर, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई पैसा नहीं डाला। अब फिर दोबारा से हम बैठे हैं धरने पर तो फिर डाल ले हमारे 2000 रुपए, और फिर जैसे कि हमारा 2200 रुपए मानदेय है वो कभी टाइम से मिलता है कभी नहीं मिलता है। जैसे हमारा टीकाकरण का 150 रुपए वो हमको नहीं मिलता है, डिलीवरी का हमारा कोई पैसा नहीं आ रहा जी। जैसे 2 साल का बच्चे में गैप होता है उसके हमें 500 रुपए मिलते हैं, वो हमें कोई नहीं मिल रहा जी। और जो जैसे हम फील्ड में नसबंदी वगैरह कराते हैं उन मरीजों के 1-1 साल हो गए जी, कोई पैसा नहीं गया। और जैसे पहले बच्चे के हैं, कुछ मरीज के गए हैं पैसे, लेकिन कुछ के तो वो जो 5000 रुपए मोदी सही से, हाँ जी हमारा तो एक मरीज फील्ड में मरीजों का भी नहीं सही से जा रहा, वो फिर हमें बताते हैं, हमें गालियां देते हैं कि तुम खा गई हो, तुमने हमारा फार्म नहीं भरा जी, हम पे क्लेम लगा देते हैं फील्ड में भी। बताओ जी हम कितने परेशान हैं, 250 रुपए जो हमें 42 दिन बच्चे की हम विजिट करते हैं देखभाल करते हैं 250 रुपए हमें उसका मिलता है, वो भी हमारा नहीं आ रहा है 1-1.5 साल से। तो अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे? लगातार आप धरने पे बैठी हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी जी, अगर हमारी मांगे यहाँ नहीं पूरी होगी तो फिर हम क्या, तो यहाँ से पैसा अपना जितना हमारा किया है हमारा है वो हम लेके जाएंगे, वरना फिर हम अपनी जान खो के चले जाएंगे। वैसे भी हम अपने परिवार को छोड़े यहाँ पड़े हैं, काम करेंगे, रात में भी जाएंगे मरीजों के साथ, दिन में भी फिरेंगे और फील्ड में भी काम करेंगे, कभी संचारी रोग का कभी काहे का सर्वे करते रहेंगे, फोन पर भी काम करेंगे, रजिस्टरों में भी काम करेंगे। जब हम दिन रात काम करेंगे तो हमारे घर वाले भी तो पूछे तुम्हारे पास पैसे कहाँ क्यों नहीं आए जब तुम रात दिन काम करो, फिर हमें घर वाले दे देंगे क्या? यूं बताओ घर वाले, अब घर वाले भी तो हमें पूछेंगे और समाज भी पूछेगा जब तुम रात दिन काम करो पैसे कहाँ तुम्हारे, जब तुम घर वाले पैसे देते नहीं कि तुम नौकरी हो तुम्हारे पैसे कहाँ? हमसे हर जवाब लिया जाता है मैडम, हम क्या करें, हम परेशान है इस टाइम, हम मरे ना तो क्या करें, हम तो हमारे तो चारों तरफ से मरण है, हमें तो समाज भी गलत नजरों से देखता है। एक महिला का रात को निकलना बहुत बड़ी बात है और हम रात को भी मरीजों के साथ निकलते हैं। अभी 22 तारीख का मेरे साथ ऐसा कांड हुआ, मैं डिलीवरी लेकर अस्पताल गई ननौता में, मेरा मैडम आज ड्यूटी पर थी, उन्होंने मेरे मरीज को एडमिट कर लिया, मरीज को देखा, दो घंटे ट्रीटमेंट दिया, दवाई लगा उसके, फिर 8 बज गए, 8 बजे दूसरी मैडम आई अंजू मैडम, तो आते ही सर उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, बच्चा तो होने का नहीं, बच्चे के सिर पर सूजन है, बच्चे को खतरा, बच्चा होने वाला हो रहा, और मैडम ने रेफर कर दिया सहारनपुर के लिए। अब बच्चे को चल जब उन्होंने रेफर कर दिया तो मैं तो लेकर आती से, अब और रस्ते में वो डिलीवरी होगी मैं कहाँ जाऊँ उसे लेकर, फिर अगर कुछ होगा मरीज को तो मुझे कहेंगे ना कि ऐसा ने हमारा मरीज मार दिया या बच्चा मार दिया, कोई गांव में ही नहीं रहने देने का। और मरीज के यहाँ तक कि 5000 रुपए वाला जो फार्म होता है उस पर भी पैसे ले जाते हैं ब्लॉक पर, अगर आशाओं का नाम आ जाता है और पैसा नहीं देता तो कहते हैं आशाओं ने फार्म नहीं जमा करा, हर जगह आशाओं का मरण हो रहा। फिलहाल अभी आपने देखा कि जितनी भी आशा बहना यहाँ पर मौजूद है और हमने बातचीत की, उन्होंने का यही कहना है कि लगातार हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, डेढ़ महीना हो गया ना ही पैसा दिया जाता है, और यहाँ पर अपने परिवार को छोड़कर ये बहनें बैठी हुई हैं, और 1 घंटे का प्रशासनिक अधिकारी ने इन्हें समय दिया है, 1 घंटे बाद ही पता चल पाएगा किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी इन्हें आश्वस्त करते हैं या इनका मानदेय दिया जाएगा, ये धरना बरकरार रहेगा।